आपको तो पता ही है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो श्रीलंका में हो रही है, और श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं मोर और लेस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं कि जिसमें एक तो वहाँ का मौसम और उसके बाद वहाँ की जो पिचेस हैं वो इतनी साजगार नहीं होती कि वहाँ पर फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और वहाँ के जो भी हमने पिछले रिकॉर्ड्स देखे उसमें ये है कि वहाँ के स्पिनर्स डोमिनेशन और बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस ज़्यादातर बनती हैं। तो जब ये स्क्वाड बनाने जा रहे थे तो ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और वो सामने आई, और इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये था कि वहाँ पर मिकी जो हमारे साथ हैं, मिकी आर्थर, उनकी जो इनपुट थी वो बहुत ज़्यादा कारामद साबित हुई, इसलिए कि उन्होंने वहाँ कोच किया हुआ, उनको वहाँ की तमाम कंडीशंस का आइडिया था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने जो स्क्वाड की फॉर्मेशन की है उसमें आपने देखा होगा कि हमने बैलेंस रखा हुआ है, बैटिंग आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, डीप है, आपने ऐसे बॉलर्स को चुना है जो आपको रियल सेंस में पुराने बॉल के साथ अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि नया बॉल तो बहुत ज़्यादा इतना हेल्पफुल नहीं होता, पुराने बॉल के साथ ही ज़्यादातर बॉलें बॉलर्स जो हैं वो आउट करते हैं। दूसरी तरफ के स्पिनर्स भी हमने जब वहाँ देखे तो वहाँ पर ना बजाय इसके कि रिस्ट स्पिनर के, वहाँ फिंगर स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जिसमें वो कामयाब होते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को रखते हुए जब हमने स्क्वाड की फॉर्मेशन की उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी, और उसी के नतीजे में स्क्वाड आपके सामने है, आपके सामने सारा 16 प्लेयर्स का स्क्वाड है। और दूसरे साथ साथ हम एक और चीज़ भी आपको बताते चलेंगे, देखें हमारी जो फिलॉसफी है वो ये है कि हम जूनियर के टूर्स को और ज़्यादा हम करें। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान शाइन के टूर्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि हमारे जो वो सेकेंड टीयर के प्लेयर्स हैं वो भी किसी तरीके से खेलते चलते चले जाएं और उनको एक्सपोजर मिले बाहर। तो इसीलिए अब हमारा जो मिक्स होगा वो सीनियर टीम एक तरफ है और जूनियर यानी हमारी पाक शाहीन एक तरफ है, और उसके बाद कम से कम हमारे पास 25 से 30 लड़के ऐसे हैं जो हर वक्त किसी न किसी तरीके से वो इन्वॉल्व रहेंगे और वो उनको हम एक्सपोज करते रहेंगे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे, जिससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आइंदा के लिए आपको पता होगा कि आपके पास बैकअप स्ट्रेंथ क्या है और को किस वक्त किसने फिल करना है। तो इसलिए आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे, कोई अगर एक प्लेयर किसी एक स्क्वाड में नहीं है तो दूसरे स्क्वाड में आपको नज़र आएगा। उसका रीज़न ये है कि हम दोनों को साथ साथ लेते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे जाके आपने देखना है कि एशियन इमर्जिंग कप भी हो रहा है और उसके अलावा और बहुत सारे टूर हमारे पाइपलाइन में हैं, जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएंगे तो जूनियर टीम के टूर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी बिना पर मैं बात कर रहा था, अब आपके सवाल ले लेता हूँ। देखिए एक तो जो आपने पहले मैं शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात कर लूँ, देखें शाहीन शाह का मसला आप सबको पता है कि वो इंजरी की वजह से बाहर थे, और हमारी जो मेडिकल टीम है और जो जिस किस्म की उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो लॉन्ग ओवरिजन की क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, और जो हम उनका वर्कलोड की मैनेजमेंट की लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, इनफैक्ट उनका इस वक्त वर्कलोड बहुत कम है, उनको ज़्यादा ओवर्स करने हैं टू गेट बैक टू हिज यू नो प्राइम फिटनेस। तो इसीलिए हम जो हैं शाहीन शाह को, आपने देखा होगा कि हमने अभी काउंटी से भी रिक्वेस्ट किया कि उसको 3 दिन का मैच खिलाएं बिफोर कमिंग ओवर हेयर। सो पीछे मकसद यही है, हमारा एज बॉलर है और हम उसके ऊपर चाह रहे हैं कि जब वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में जाए तो पूरी तरह बॉलिंग फिट हो, तो किसी किस्म के इश्यूज़ ना हो। आई थिंक वो अपनी फिटनेस को और अपनी बॉलिंग की फिटनेस को वो बरकरार रखते हुए नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, और जिस तरीके से वो इंग्लैंड में भी परफॉर्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ आकर भी जब वो कैंप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ श्रीलंका जाएंगे तो इसलिए वो वहाँ पर बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। दूसरा आपने कहा कामरान गुलाम, देखिए कामरान गुलाम हमारे लूप में है, हमारे थॉट प्रोसेस में है। सो अगर आप देखेंगे कि जब ये चीज़ें आगे चलती चली जाएंगी, आप देखेंगे हमारे पास जो इस वक्त बेस्ट लॉट है, इस वक्त हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उस लॉट को लेकर जाएं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा पीछे किया हुआ, ताकि कंटिन्यूटी रहे, और उसके साथ साथ जो भी नए प्लेयर्स अगर अंदर आएंगे तो उनको भी हम साथ ले कर, क्योंकि स्लॉट हमारे पास ओपनर्स हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर बैटिंग हमारी अच्छी खासी इस वक्त सेटल्ड है, तो इंशाल्लाह उनको कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स और जितने और जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनको इंशाल्लाह मौके मिलते रहेंगे और वो दूसरी टीमों में आप उनके नाम देखेंगे। अरुण भाई, इससे पहले न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड हुआ था वहाँ पे भी स्क्वाड पे कोई इतने क्वेश्चंस मौजूद नहीं थे कि कोई डिजर्विंग प्लेयर रह गया हो, यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन
सिलेक्शन कमेटी को लेके है कि एक सीरीज के बाद ही सिलेक्शन कमेटी जो है वो तब्दील कर दी गई है, और अभी जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें हम देखें ज़्यादातर लोग ड्यूअल रोल में हैं, वो टीम के साथ भी अटैच्ड हैं, या अगर जो है वो टीम डायरेक्टर के रोल में है तो वो भी सिलेक्शन कमेटी में है। आप अकेले ऐसे एक चीफ हैं एज अ चीफ सेलेक्टर जो वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक इसमें भी अगर आप थोड़ी फिलॉसफी को देखेंगे तो आपको हमेशा से पता है कि जब भी कभी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन होती थी तो हमेशा से एक डिस्कॉर्ड था कि कहते थे कि जी सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट एक पेज पे नहीं है, सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन एक पेज पे नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आई थिंक ये इस चीज़ को अपनाया गया है कि यू नो क्यों नहीं, हम जिन्होंने टीम को चलाना है, आप जब पाकिस्तान की टीम बनाते हैं तो बेसिकली आप 15 से 20 प्लेयर्स के गिर्द ही घूमते हैं और उन्हीं में से आपने 16 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होता है, और जो लोग टीम के साथ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लग रहा होता है कि इसमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आगे जाना है और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम अभी थोड़ा सा बिठा के दूसरे प्लेयर्स को मौका दें। तो इस वजह से ये जो मिक्स है ना, ये आपको पता लगेगा कि आइंदा चल के आप इसको बेनिफिट्स नज़र आएंगे। ऑलरेडी आपने देखा है कि जब से हम ये सिलेक्शन कमेटी आई है, आपने पहले कभी नहीं देखा था कि पाकिस्तान में रोटेशन का प्रोसेस था, अब हम हर प्लेयर को उसके मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी फिजिकल फिटनेस की कंडीशन को देखते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, रेस्ट भी उनको मिल रहा है और वो खेल भी रहे हैं। तो आई थिंक इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मिक्स है। नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। देखें इनफैक्ट होता ही है कि ऑन द गिवन डे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो लॉट है कौन करंट फॉर्म में है, उसकी फिटनेस उस मैार के मुताबिक है कि हम उसको मौका दें। कई ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं कि जो अगर फॉर इंस्टेंस अगर किसी सीरीज़ में खेले हैं वो कामयाब नहीं हुए या कामयाब हुए हैं, पता लगा उनके फिटनेस लेवल्स गिर गए हैं। सो ये वो सारी चीज़ें जब हम उसको इवेल्यूएट करते हैं उसके बाद जाके हम स्क्वाड की फॉर्मेशन करते हैं। रोटेशन पॉलिसी नहीं, देखिए वो डेफिनेटली पुरानी चीज़ों के जो रिजल्ट्स हैं वो तो आप सामने रखेंगे ना। जो आप रोटेशन पॉलिसी की बात करें, देखिए रोटेशन पॉलिसी है क्या कि आपने प्लेयर्स के वर्कलोड को देखते हुए किसी प्लेयर को बेंच पे बिठाना है और किसी को लेकर आना है, उसको इस वजह से आप नहीं बाहर बिठाते कि यू नो वो आउट ऑफ फॉर्म है या ऐसे है। सो इसलिए रोटेशन पॉलिसी को समझने की ज़रूरत यह है कि वो इसलिए लाते हैं कि प्लेयर का जो वर्कलोड है उसको मैनेज किया जाए, जहाँ उसको ज़रूरत है रेस्ट करने की उसको रेस्ट करवाया जाए और जहाँ ज़रूरत ना हो हम उसको खिलाएँ, और मुसलसल भी खिलाते रहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसका आप सवाल कर रहे हैं। हाँ नहीं, देखें ऑब्वियसली आप देखें कि हम आप कोशिश यही कर रहे हैं कि माशाल्लाह जिस तरीके से हमारे पास जो प्लेयर्स का पूल बढ़ता चला जा रहा है तो हम इस काबिल हो रहे हैं कि हम ये देखें कि आपके टेस्ट स्क्वाड के प्लेयर्स कौन से हैं जिनको हमके टेस्ट स्क्वाड में रखना है, और उसके साथ साथ वनडे के कौन से ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। आमिर अगर आप जमाल की बात कर रहे हैं, अगर उसके पिछले 2-3 सीज़न उठा के देखें तो उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए हैं। फिर अभी वो पाकिस्तान शाहीन के साथ गए थे, वहाँ उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए। तो आई फील कि जो करंट फॉर्म में है उसकी फिटनेस भी अच्छी है, तो क्यों ना ऐसे प्लेयर को उस माहौल में लाया जाए जो कि पाकिस्तान की टीम का माहौल है। होता ही है कि हमारा जो निचले लेवल के ऊपर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे सबको पता है कि बहुत बड़ा खला है, तो जैसे ये प्लेयर्स जब जाके पाकिस्तान टीम के माहौल में आएंगे तो उनको पता लगेगा कि वहाँ रिक्वायरमेंट क्या है उनको वहाँ अपने आप को मेंटेन करने की और अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाने की। सो आई थिंक ये इस वजह से भी हम बहुत सारे ऐसे यंग प्लेयर्स को साथ हम इसलिए भी लगाते हैं ताकि उनको वहाँ का पता लगे, और उसके बाद जब वहाँ से वो वापस आएँ तो वो उसके मुताबिक फिर अपना काम करें, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी क्रिकेट स्ट्रेंथ्स के ऊपर, अगर वो बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं। So, ये एक पूरे का पूरा एक थॉट प्रोसेस है जिसको लेके हम चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन अरुण भाई, बताइएगा कि अतर अली